नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मुंबई के एमएचबी पुलिस ने बच्चों को गांजा बेचने वाले एक शख्स को बोना वेचर बिल्डिंग के सामने दहीसर नदी के पास दहीसर पश्चिम से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 210 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 2500 रुपए बताई गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शातिर अपराधी है, जो केवल स्कूल के बच्चों को गांजा बेचने के लिए गांजे की खरीद फरोख्त किया करता था। आरोपी राजेश सेवाराम खांडेकर 49 वर्षीय के ऊपर मुंबई के अलग अलग स्टेशनों में गांजा बेचने के कई मामले दर्ज है। आरोपी राजेश सिवाराम खांडेकर 49 वर्षीय संतोष नगर झोपड़पट्टी दौलत नगर बोरीवली पूर्व का रहने वाला है। फिलहाल एमएचबी पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस आरोपी के गैंग में और कितने लोग हैं, आरोपी गांजा कहां से लाता है और किसको सप्लाई करता था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कल 17 फरवरी 2023 को एमएचबी पुलिस स्टेशन के एटीएस अधिकारी है एपीएस सिद्धे और स्टाफ, उन्हें खबर मिली कि एक आदमी दहीसर किनारा जो दहीसर वेस्ट में गांजा लेके आने वाला है, तो उन्होंने हमें ये खबर बताई और फिर हमने पीआई सुरसे, एपीआई शिंदे, एपीआई मोरे, एपीआई सिद्धे, पुलिस कांस्टेबल भुगे और अहिर, इनकी एक टीम बनाई और हमने दहीसर किनारा जो है दहीसर नदी वहाँ एक ट्रैप लगाया और ट्रैप के अनुसार राजेश खांडेकर, उसकी उम्र है 49 ईयर्स, वो हमें मिला गांजे के साथ और हमें उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया। ये जो गांजा है वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे को देने की वो कोशिश करता है और उन्हें वो एक उनकी लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है और उसके कौन कौन साथी जा रहे हैं और ये गांजा कहाँ से लेके आता है उसकी सब तहकीकात हम कर रहे हैं। ये आरोपी दौलत नगर बोरोली ईस्ट में रहता है और उसकी हिस्ट्री भी हम जान रहे हैं और उसके साथीदार कौन है उसके भी हम तहकीकात कर रहे हैं। हाँ, वो हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और शायद इसके बहुत सारे क्लू हमें मिल जाएंगे, साथीदार में मिल जाएंगे और उसका अपडेट हम दे देंगे। आरोपी का नाम है राजेश खांडेकर, उम्र है 49।